मध्य प्रदेश सहित नीमच जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021-22 की रूपरेखा। कब भरे जाएंगे नामांकन, कब कहां कौन से चरण में होंगे मतदान। नमस्कार, मैं हूं रिया पिपलीवाल और आप देख रहे हैं नीमच जिले का टॉप MP7 न्यूज। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वो बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करें। देखिए नीमच जिले की विशेष बड़ी खबर। जी हाँ, लंबे समय से इंतजार के बाद आखिरकार राज्य निर्वाचन आयुक्त ने मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। पंचायत चुनाव कुल 3 चरणों में कराए जाएंगे। अगर बात करें नीमच जिले की तो नीमच जिले में भी पंचायत चुनाव 3 चरणों में होंगे। प्रथम चरण में नीमच जिले के नीमच विकास खंड में नामांकन 13 दिसंबर से 20 दिसंबर तक होगा। नाम वापसी 23 दिसंबर तक होगी और मतदान 6 जनवरी को होंगे। मध्य प्रदेश की पंचायतों में 85 जनपद पंचायत है, इनमें नीमच जिले की नीमच जनपद की पंचायतें भी सम्मिलित है। वहीं मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतें 6,283 है, जिसमें नीमच जिले की नीमच विकास खंड की ग्राम पंचायतें भी सम्मिलित है। वहीं बात करें दूसरे चरण की तो दूसरे चरण में नीमच जिले का जावद विकास खंड भी सम्मिलित होगा, जिसमें नामांकन 13 दिसंबर से 20 दिसंबर तक होगा। वहीं नाम वापसी 23 दिसंबर को होगी, मतदान 28 जनवरी को होगा। मध्य प्रदेश की जनपद पंचायत में 110 जनपद पंचायतें हैं, जिसमें नीमच जिले की जावद जनपद पंचायत भी सम्मिलित है। वहीं मध्य प्रदेश में 8,015 ग्राम पंचायतें हैं, इसमें जावद विकास खंड की ग्राम पंचायतें भी सम्मिलित हैं। वहीं तीसरे चरण में नीमच जिले का मनासा विकास खंड सम्मिलित होगा, जिसमें नामांकन 30 दिसंबर से 6 जनवरी तक होगा। नाम वापसी 10 जनवरी को होगी, मतदान 16 फरवरी को होंगे। मध्य प्रदेश की जनपद पंचायत में 118 जनपद पंचायतें हैं, जिसमें मनासा जनपद पंचायत भी सम्मिलित है। वहीं मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत 8,391, जिसमें मनासा जनपद की ग्राम पंचायतें भी सम्मिलित है। मतदान का समय सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक का होगा। प्रथम चरण में पंच सरपंच पदों की मतगणना मतगणना स्थल पर ही 6 जनवरी 2022 को होगी, जबकि जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य की विकास खंड मुख्यालय पर 10 जनवरी 2022 को होगा। पंच सरपंच पद की मतदान केंद्र पर की गई मतगणना परिणाम की घोषणा 11 जनवरी 2022 को, जनपद पंचायत और जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन परिणाम की घोषणा 22 फरवरी 2022 को और जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन परिणाम की घोषणा 23 फरवरी 2022 को होगी। इसी तरह द्वितीय चरण में पंच सरपंच के मतदान की मतगणना 28 जनवरी को मतगणना स्थल पर, जनपद व जिला पंचायत सदस्य की मतों की गणना विकास खंड स्तर पर 1 फरवरी 2022 को होगी, जबकि पंच सरपंच की निर्वाचन परिणाम की घोषणा 2 फरवरी 2022 को, जनपद पंचायत सदस्य के परिणाम की घोषणा 22 फरवरी 2022 को और जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन परिणाम की घोषणा 23 फरवरी 2022 को होगी। वहीं तीसरे चरण के लिए पंच सरपंच की मतदान की मतगणना स्थल पर मतगणना 16 फरवरी 2022 को, जनपद सदस्य की 22 फरवरी 2022 को होगी, जबकि जनपद पंचायतों के निर्वाचन परिणाम की घोषणा 22 फरवरी 2022 को, जिला पंचायत सदस्यों के परिणाम की घोषणा 23 फरवरी 2022 को होगी। नामांकन के दौरान प्रत्याशी सिर्फ 2 वाहनों को ले जा सकते हैं। ऑनलाइन भी नामांकन किया जा सकता है, लेकिन हार्ड कॉपी रिटर्निंग ऑफिसर को सौंपनी जरूरी होगी। हर जिले में एक पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाएगा। प्रथम चरण 6 जनवरी को मतदान होगा, 6 जनवरी को ही सरपंच और पंच पद के लिए मतगणना, 10 जनवरी को जिला पंचायत और जनपद पंचायत सदस्य के लिए EVM से मतगणना। वहीं दूसरे चरण में 28 जनवरी को मतदान होगा, 28 जनवरी को ही सरपंच और पंच पद के लिए मतगणना, 1 फरवरी को जिला पंचायत और जनपद पंचायत सदस्य के लिए EVM से मतगणना। वहीं बात करें तीसरे चरण की तो तीसरे चरण में 16 फरवरी को मतदान होगा, 16 फरवरी को ही सरपंच और पंच पद के लिए मतगणना होगी, 20 फरवरी को जिला पंचायत और जनपद पंचायत सदस्य के लिए EVM से मतगणना। देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज़।